चैनल सोनम स्ट्यू। गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसा रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही यूनिक है और जो पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद है। तो आप लोग पहले तो वीडियो देख ही चुके होंगे कि किस तरीके का रेमेडी आज शेयर करने वाली हूँ। हाँ जी हाँ, एक क्रीम की तरह एक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। तो ये आपके स्किन को 4 से 5 शेड लाइट कर देगी डेफिनेटली, अगर आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करें और इसे जैसे मैं दिखाऊंगी वैसे ही यूज़ करें तो ऐसे ही होंगे। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सोलर स्किन स्टडी। तो इस सीक्रेट रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए एक पोटैटो। इसे हम पूरा क्रश कर लेंगे और इसका जूस निकाल लेंगे। इसको हमने क्रश कर लिया है, अभी इसका हम जूस निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसका जूस निकाल लिया है। नेक्स्ट हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है डाब सोप। यहाँ पे मैंने 10 रुपये का लिया है, आप लोग चाहे बड़ा भी ले सकते हैं। इसे भी हम लोगों को क्रश कर लेना है तकरीबन 2 चम्मच के करीब। मैं यहाँ पे पूरा ही कर लूँगी क्योंकि बाद में भी मुझे यूज़ करना है, इसीलिए एक ही बार में कर लूँगी। तो देख सकते हैं मैंने इसे पूरा ही क्रश कर लिया है। तो चलिए अब इस रेमेडी को बना लेते हैं। तो हम लेंगे यहाँ पे 2 टीस्पून डाब सोप। उसके बाद हम लेंगे 2 टीस्पून पोटैटो जूस। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक बात गाइस, अगर आप लोग इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, अगर आप लोग पार्टी या ओकेशन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ब्लीच पाउडर दिखा रही हूँ, तो इसे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये फेम का ब्लीच पाउडर है और आप लोगों को थोड़ा सा ही लेना है, जो जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वैसा ही लेना है। इसे बिल्कुल भी आप लोग फेस पर यूज़ मत करना अगर आप लोग ब्लीच पाउडर इसमें ऐड कर रहे हैं तो। इसे हैंड्स या लेग्स के लिए यूज़ करना। यहाँ पर मैं ब्लीच पाउडर इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं फेस के लिए यूज़ करूँगी इसीलिए। तो देख सकते हैं इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और थोड़ी सी टाइम लगेगी आप लोगों को ऐसे क्रीम फॉर्म में आने के लिए, लेकिन आप लोगों को ऐसा ही बनाना है। तो चलिए अब मैं इसे अपने फेस पे लगा लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने अपने फेस को ऐसे ही नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया है। तो अभी मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ। और एक बात गाइस, आप लोग बोलेंगे कि पहले क्यों नहीं बताया, तो मैं बता देती हूँ। इसे लगाने के बाद आप लोगों को थोड़ी सी जलन महसूस हो सकती है आपकी स्किन पे। अगर आपके स्किन पे बहुत ही ज़्यादा जलन हो तो इसे आप उसी वक्त उतार देना, नहीं तो आपके स्किन पे रेडनेस आ जाएगी और थोड़ी सी जलन होगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डाब सोप है। उसमें कोई डरने की बात नहीं है, सभी का होता है, मुझे भी होता है थोड़ी सी जलन, लेकिन उसके उससे ज़्यादा हो तो उसे आप उसी वक्त उतार देना और कभी भी इसे यूज़ मत करना क्योंकि हर किसी की स्किन टाइप अलग होती है तो सभी के ऊपर ये सूट नहीं करेगा। इस पे मैंने ब्लीच पाउडर बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है क्योंकि मैं फेस पे इसे अप्लाई कर रही हूँ इसीलिए। अगर आप लोग फुल बॉडी के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो ब्लीच पाउडर को उसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप फेस के लिए इसे यूज़ नहीं करना है ब्लीच पाउडर को। तो अभी मैं अपने हैंड्स पे भी इसे अप्लाई कर लूँगी, एक हाथ पे लगाऊँगी और एक हाथ पे नहीं लगाऊँगी ताकि आप लोगों को इसका फ़र्क पता चले। तो चलिए इसे जल्दी से लगा लेती हूँ। इसे रखना है 10 मिनट्स के लिए अपने फेस पे। सो गाइज़, मिलती हूँ 10 मिनट्स के बाद। सो गाइज़, मैं फिर से आ गई हूँ, 10 मिनट हो चुका है। तो अभी मैंने इसे निकाल लूँगी, तो इसीलिए मैंने एक गीला टॉवल ले लिया है। तो देख ही सकते होंगे इंस्टेंट रिज़ल्ट गाइज, देखो मेरा फेस पहले जैसी नहीं रही अब। तो जल्दी से इसे मैं उतार लेती हूँ और पूरा फेस दिखाती हूँ आप लोगों को। जस्ट वाओ गाइज,
मुझे तो खुद को झूमने का मन कर रहा है इतना अच्छा रिजल्ट देख के। गाइज एक ही यूज़ में आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आप लोगों को इसे 1 मंथ तक यूज़ करना है अमेजिंग रिजल्ट पाने के लिए। इसे आप लोग अगर उतना ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं तो आप लोग इसे 1 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा अमेजिंग वाला, तो इसीलिए मैंने 1 मंथ बताया है। अभी मैं अपने हैंड्स को भी क्लीन कर लूँगी उसी टॉवल से। मेरे फेस का एक्सप्रेशन देख के तो समझ ही गए होंगे कितना ज़्यादा पसंद आई है रेमेडी, और इसे यूज़ करने के बाद कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। दोनों हाथ को दिखा रही हूँ आप लोगों को, लेफ्ट एंड राइट जिसमें लगाया है, देख ही सकते होंगे दोनों हाथ के डिफरेंट अमेजिंग रिजल्ट। गाइज कोई भी रेमेडी यूज़ करिए या ना करिए, इसे ज़रूर एक बार ट्राई करना गाइज। तो देख सकते हैं मैंने जो सारा क्लीन कर लिया है फेस को और हैंड्स को। सो गाइज आई होप कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और कैसा लगा कमेंट पे बताना, और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।